आईपीएल 2023 मैच जियो सिनेमा पर करोड़ों लोगों को फ्री में दिखाने के बाद दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी अब आम लोगों को एक और बड़ी सौगात देने वाले हैं। अब मूवी, वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्री जैसी कंटेंट के लिए आपको नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो या हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत शायद ना पड़े, क्योंकि मुकेश अंबानी की अगुवाई वाले जियो सिनेमा का नया ओटीटी ऐप आने वाला है। इसका नाम जियो वूट होगा और ये कंटेंट के मामले में पहले से मौजूद नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसे दिग्गजों को कड़ी चुनौती दे सकता है। अब अगर आपको लगता है कि जियो वूट कितना सफल होगा तो इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि आईपीएल मैच फ्री में दिखाने वाले जियो सिनेमा ने इसकी व्यूअरशिप के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब जियो सिनेमा में एक बड़ा बदलाव होने वाला है, जियो सिनेमा का नाम बदलने वाला है और खबर यह है कि इसका नाम जियो वोट होने वाला है। इस ओटीटी ऐप में कंपनी सब्सक्रिप्शन प्लान भी जल्द ही लाएगी। जियो सिनेमा के पास आईपीएल के डिजिटल राइट्स हैं, साथ ही मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली इस कंपनी ने जियो सिनेमा ऐप पर फ्री में आईपीएल मैच दिखाने का ऐलान किया है। हाल में हुई चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर मैच में जियो सिनेमा पर कॉन्करेंट व्यूअरशिप 2.4 करोड़ के रिकॉर्ड पर पहुंच गई थी। आईपीएल के मौजूदा सीजन की शुरुआत जियो सिनेमा के लिए तूफानी रही। पहले ही हफ्ते में जियो सिनेमा को 147 करोड़ वीडियो व्यूज मिले हैं और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। खबर है कि आईपीएल सीजन खत्म होने के बाद जियो सिनेमा का नाम बदला जाएगा। ओनली टेक पर दी गई जानकारी के मुताबिक जियो वूट पर नया कंटेंट भी होगा। वाइकॉम 18 का ये ओटीटी प्लेटफॉर्म अपने सब्सक्रिप्शन प्लान भी आईपीएल के बाद लॉन्च कर देगा। अभी वूट एक अलग प्लेटफॉर्म है जो कि वाइकॉम 18 का ही है, अब जियो सिनेमा और वूट को मिला दिया जाएगा। सब्सक्रिप्शन प्लान की बात करें तो जियो वूट अपना सुपर प्लान नाम से सब्सक्रिप्शन प्लान उतार सकती है जिसकी कीमत 99 रुपये से शुरू होती है। हालांकि कंपनी की ओर से अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। आईपीएल व्यूअरशिप में झंडे गाड़ने के बाद रिलायंस अब लगता है कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो और हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को चुनौती देने का मूड बना चुकी है। जियो सिनेमा को जियो वूट के तौर पर फिर से लॉन्च करने के जरिए लग रहा है कि कंपनी की कुछ ऐसी ही तैयारी है। अब बड़ी चुनौती नेटफ्लिक्स जैसे पहले से मौजूद ओटीटी प्लेटफॉर्म के सामने पैदा हो गई है कि वे जियो सिनेमा से कैसे निपटते हैं।